नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज के इस वीडियो में मेरे पास सैमसंग की चार मोस्ट पॉपुलर कीपैड मॉडल है और इनमें से एक फोन डेट है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस टाइप की डेट प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा। और दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों को मेथड दिखाने जा रहा हूँ, इनमें से किसी भी मॉडल में अगर इस टाइप प्रॉब्लम के पास से फोन डेट हुआ है तो आप लोग इस मेथड के जरिए उस डेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इनमें से ये जो हमारा सैमसंग B313 मॉडल है, ये फोन अभी डेट है और कस्टमर का कहना है उनकी फ़ोन में पहले नेटवर्क की प्रॉब्लम थी और नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक टेक्नीशियन को दिया था और नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम उन्होंने इस फोन को डेट कर दिया। तो चले तो पहले इसका कंडीशन रीडिंग करके देखते हैं। इसको रीडिंग करने के लिए मीटर को बजर मोड में सेट करेंगे और इसके बाद ब्लैक प्रोब को बैटरी कनेक्टर की प्लस में और रेड को माइनस में रख कर रीडिंग करेंगे। देखिए इसका जो रीडिंग आ रहा है वो बिल्कुल सही दिखा रहा है और अभी रेड को पॉजिटिव पे और ब्लैक को माइनस में रख कर रीडिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, इस साइड में भी हमारा रीडिंग सही दिखा रहा है, रीडिंग आके छोड़ दे रहा है, यानी हमारा फोन नॉर्मल कंडीशन में है फिर भी फोन ऑन नहीं हो रहा है। फोन को मैं आप लोग को एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम फोन को ओपन करेंगे। यहाँ पे देख के ही पता चल जाता है उन्होंने इस बोट में बहुत ज़्यादा हीट यूज़ किया। यहाँ पे देखिए, ये जो 26 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल है ये भी यहाँ पे टेरा हो चुका है, लगता है उन्होंने इस क्रिस्टल को रिप्लेस किया है। तो पहले इस क्रिस्टल को यहाँ पे सही पोजीशन में बिठा देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा क्रिस्टल यहाँ पे सही से बैठ चुका है और अभी हम बोर्ड को थोड़े टाइम कूल करने के बाद ऑन करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा फोन फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत सारे टेक्नीशियन के साथ हो चुका है जिन्होंने क्रिस्टल रिप्लेस करने के टाइम फोन को डेट कर दिया है या फिर आईसी में हीट देने की वजह से फोन डेट हो चुका है। तो इसका रीजन पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर टेक्नीशियन क्रिस्टल को रिप्लेस करने के टाइम आईसी को सिल्वर टैप की मदद से या फिर किसी भी चीज़ से कवर अप नहीं करते हैं और जिस हीट से क्रिस्टल को रिमूव करते हैं वही हीट आईसी में भी चला जाता है और आईसी के नीचे जो वॉल्स है जो पीसीबी के साथ अटैच है वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं या फिर आपस में जोड़ जाते हैं। दोस्तों, तो फिलहाल इस फोन की जो डेट प्रॉब्लम का रीज़न है वो यही है। तो इस प्रॉब्लम को तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ही, इसके साथ साथ आप लोग इस मैथड के जरिए और भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो जो फोन गिर जाने की वजह से डेट होते हैं। दोस्तों, इस टाइप की डेट प्रॉब्लम फोन को सॉल्व करने के लिए सीपीयू को ओपन करके फिर उसको रिवॉल्विंग करके दोबारा लगाना पड़ेगा, तब जाके फोन ऑन होगा। तो ठीक है, हम इस फोन की सीपीयू को रिमूव करके फिर उसको रिवॉल्विंग करके लगा के देखते हैं हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों।
दोस्तों मैं यहाँ पे आईसी को अच्छे से रिवॉल्विंग करके लगा दिया और अभी बोर्ड को क्लीन करने के बाद ऑन करके देखेंगे हमारा फोन अभी ऑन हो रहा है कि नहीं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा फोन सक्सेसफुली ऑन हो रहा है। तो इस तरह आप लोग इस टाइप की प्रॉब्लम को इस मेथड के जरिए सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी कर दीजिए और आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिए ताकि मैं जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।